दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्टीमेट नॉलेज में। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया जो आप कमेंट के थ्रू मुझे देते हो। गाइस, काफ़ी बच्चों ने मुझे कमेंट किया है कि सर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, MDU से या फिर कुरुक्षेत्रा से, इन सब से बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं। कोई चौधरी रणवीर सिंह से कर रहा है, कोई कुरुक्षेत्रा से कर रहा है, कोई MDU से कर रहा है, तो सर फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के BEd के, उनके प्रैक्टिकल कैसे कंडक्ट होंगे, इसके लिए आप वीडियो बनाइए। तो गाइज देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी ने 28 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि 1 तारीख से लेके और 10 तारीख के बीच में MDU के जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं MDU से, BEd से, उन सब को क्या है, 1 से लेके 10 तक अपने प्रैक्टिकल क्या है बच्चों के कराने हैं, और 14 तारीख लास्ट डेट है बच्चों के जो असाइनमेंट के जो मार्क्स है उसको यूनिवर्सिटी को भेजने के लिए। तो गाइज यहाँ पर पहले मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। बच्चे पूछ रहे सर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड हमें दिए गए हैं, तो कौन सा बेटर रहेगा, ऑनलाइन में क्या होगा, ऑफलाइन में क्या होता है, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। गाइज सबसे पहले एक चीज़ आप देखिए, पहले जब BEd के जो प्रैक्टिकल होते थे सेकंड ईयर के, तो टोटल आपके 3 प्रैक्टिकल हैं, वो अभी भी हैं आपके। 2 तो वो हैं आपके टीचिंग सब्जेक्ट जो आपने फर्स्ट ईयर में आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर के अगर आपने सब्जेक्ट पढ़े तो टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, 3 तो कंपलसरी होते हैं, 2 आपके टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं। वही 2 टीचिंग सब्जेक्ट जो हैं वो सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल का काम करते हैं, ठीक है, और एक आपका स्कूल बेस्ड एक्टिविटी होता है। टोटल मान के चलिए आपके 3 प्रैक्टिकल होंगे। ऑफलाइन में गाइस क्या होता था कि 2-3 टीचर का पैनल आता था कॉलेज के अंदर और बच्चों का वाइबा लेता था। जैसे सपोज कीजिए कि आपने कोई भी फाइल उनको चेक कराई, उन्होंने चेक कर दिया, तो उसके बाद वो कोई भी आपको टॉपिक देते थे या बोलते थे कि आपको जो भी टॉपिक आता है, सपोज कीजिए कि आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट हैं, टीचिंग ऑफ इंग्लिश और टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी, उनके कोई भी टॉपिक जो है पढ़ा के दिखाइए, और वहाँ पर स्कूल के बच्चे वगैरह भी होते थे और उनको पढ़ाया जाता था। ये तो गाइज ऑफलाइन का बात था जो पहले होता था कोविड से पहले। अभी दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। ऑफलाइन अगर कोई कॉलेज लेता है तो सीधी सी बात है ये प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। दूसरा गाइज अगर ऑनलाइन की मैं बात करूं, जो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है बच्चों के लिए, उसके लिए बच्चे कैसे तैयारी करें। गाइज देखिए, आजकल जूम ऐप के थ्रू, गूगल ड्यूड ऐप के थ्रू, बहुत सारे सोशल मीडिया के या बहुत सारे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चों के जो वाइवा है, जो मीटिंग्स हैं, वो ली जा सकती है। तो गाइज किसी भी टीचर को पर्टिकुलर स्टूडेंट अलॉट कर दिए जाएंगे, हो सकता है वो 1x1 ऑनलाइन बच्चों का वाइवा ले या फिर ग्रुप में ले, तो आपको बोला जाएगा कि आप कहाँ पढ़ते हो, क्या सब्जेक्ट थे आपके, आप बोलोगे मेरा ये सब्जेक्ट था, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या है, ऑनलाइन आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, आपका रोल नंबर पूछेगा, ये सारी चीज़ आपको ऑनलाइन देनी है और ये आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो गाइज ऑफलाइन की भी मैंने बता दी और ऑनलाइन भी बता दिया, तो दोनों में आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस के साथ जैसे आप ऑफलाइन अपने प्रैक्टिकल को देते थे, वैसे ही आपको ऑनलाइन भी देना है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। और 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में हर कॉलेज को बच्चों के प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर के कराने पड़ेंगे, ठीक है। अब काफ़ी बच्चे मुझसे ये बात बोलेंगे कि सर हम लोग बहुत दूर रहते हैं, हम लोग अपना प्रैक्टिकल नहीं देते। गाइस जो बच्चे दूर रहते हैं, डेफिनेटली सी बात है उनके लिए बसेस नहीं है, रेल नहीं चल रही अभी, तो वो ऑनलाइन ऑप्शन को चूज़ करें, उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो कॉलेज के पास दोनों ही ऑप्शन है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो गाइज आज का ये वीडियो था कि MDU के अंदर कैसे बच्चों के बैचलर ऑफ एजुकेशन के प्रैक्टिकल होंगे। तो बिल्कुल डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो गाइज ये हमारा आज का वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना, अगर बहुत अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी किसी टॉपिक पर आप मेरे थ्रू वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट कर दिया करो। इस रिलेटेड जो मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ, उसके मेरे पास नियर अबाउट 1000 बच्चों के रिव्यू आए कि सर कमेंट आए कि सर इसके रिलेटेड आप वीडियो बनाइए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो गाइज अब मुझे दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच।